तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल हम सब कहाँ तक सुने थे? आप प्रभु जी आप सब व्यास जी व्यास भगवान का तो श्रीमद् भागवत का हम लोग दूसरा स्कंद सुन रहे हैं और अध्याय सातवां चल रहा है और इसमें हम यहाँ तक हम सब सुन चुके हैं कि जब भगवान देखते हैं कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी और उम्र भी कम हो जाएगा तो इसलिए भगवान स्वयं व्यास जी के अवतार में आते हैं और पूरे वेद शास्त्रों को क्या करते हैं, आसान करते हैं विभाजन करके कि लोगों को समझ में आए। तो इस प्रकार से ये जो महाराज परीक्षित हैं ये सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए हैं कि सृष्टि के बारे में हमको बताइए और वो बताते हुए फिर भी ये भी प्रश्न किए हैं आपकी हमको भगवान का कितना लीला अवतार हुआ है उसके बारे में भी बताइए। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हुए कह रहे हैं कि एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था तो वो मैं आपको बताता हूँ और वही बता रहे हैं जो ब्रह्मा जी नारद जी को बताए थे। तो ये जो भी हम सब सुनेंगे ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं और वही कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं और वही कथा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनि को बताते हैं। तो कह रहे हैं कि देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो देवताओं के शत्रु हैं दैत्य राक्षस ये वेद मार्ग का सहारा लेकर के और क्या करेंगे कि ये पशु बध ज्यादा करेंगे, बलि ज्यादा करेंगे। तो कह रहे हैं कि उस समय भगवान क्या करेंगे ये बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार हो चुका है और कह रहे हैं कि बुद्ध अवतार लेकर के और जिस प्रकार से ये लोभ में लोग पड़ जाएंगे तो उनको क्या करेंगे इससे उपधर्मों का धर्म से हट करके उपधर्मों का अलग अलग विभाजन कर देंगे। क्या करेंगे? उपदेश करेंगे। तो देखिए जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं वो वेद शास्त्र को नहीं मानते। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? उस समय क्या हो गया था कि वेदों में वर्णित है बलि प्रथा, बलि देना पशुओं का,
तो उस समय इसका आड़ लेकर के और बहुत बलि हो रहा था, पशुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था। तो उस समय भगवान क्या किए, बुद्ध अवतार लिए और ये उपदेश किए। एक साधारण जैसे व्यवहार से समझा जाए कि अगर किसी का हार्ट कटता है तो दर्द होता है और किसी का गर्दन कटेगा तो दर्द नहीं होगा, तो इस प्रकार से एकदम साधारण भाषा में समझाए इंसानियत कि जो हमको पीड़ा होती है वही दूसरे को पीड़ा होती है। तो कहते हैं कि जियो और जीने दो, खुद भी जीना चाहिए और दूसरे को भी जीने देना चाहिए। बताया गया है कि जब हमको बनाने का अधिकार नहीं है तो बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से उस समय भगवान बुद्ध अवतार लेकर के और कहे कि ये शास्त्र को छोड़ो और अपनी बुद्धि से सोचो कि अपना जब शरीर में थोड़ा सा कटता है तो दर्द होता है और हम उस पशु का गर्दन काट रहे हैं तो दर्द नहीं होता है, तो इसलिए ये शास्त्रों से अलग हट करके ये उपधर्मों का उपदेश किए। इस प्रकार से वो लोगों को क्या किए, शास्त्रों से हटा दिए। तो इस प्रकार से कलयुग में भी ऐसा ही है, शास्त्रों में बताया गया है। जिस प्रकार से लाइसेंस, अगर मान लीजिए किसी को शराब पीना है तो शराब के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस दे दी है, वहां पे जाना है पीना है, वैसे ही मांसाहार जो अगर नहीं मानता है तो उसके लिए ये व्यवधान है कि काली जी को बलि दे और वो मांस खाए। जो बदमाश है, नहीं मानता है, तो उसके लिए ये बताया गया है। तो इस प्रकार से न कि इधर उधर से ला करके और मांस को खा लेना, शास्त्रों में बताया गया है कि उसको अगर इच्छा है तो काली जी को बलि दे और उससे वो खाए। लेकिन वो भी साल में एक बार आता है, कोई ऐसा दिन रहता है उसी दिन बलि होता है। तो अब लोगों ने ये बना लिया कि क्यों एक ही दिन, क्यों नहीं हमेशा खाया जाए, तो हमेशा मारना और खाना लोगों का ये बन गया। तो इस प्रकार से कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेंगी, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वसटकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जब कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में तो कलयुग अभी कितना बीता है, 5,500, तो केवल 5,500 साल बीता है, अभी 4,26,000 साल अभी आने वाला है। तो कह रहे हैं कि कलयुग का अंत समय जब आएगा तो उस समय सतपुरुषों के भी घर में जो सदाचारी रहेंगे उनके भी घर में पूजा पाठ नहीं होगा, वेद पाठ नहीं होगा, और जो राजा रहेंगे वो एकदम लुटेरे हो जाएंगे, शूद्र हो जाएंगे। और उस समय वेद जो मंत्र है वो किधर भी सुनाई नहीं देगा, ना देवता का पूजा होगा, ना पितर लोगों का पूजा होगा, और श्राद्ध का भी कहीं नाम निशान नहीं रह जाएगा, कोई श्राद्ध भी नहीं करेगा। हाँ, तो उस समय क्या करेंगे, जब ऐसा अधर्म बढ़ जाएगा, चरम सीमा पे चला जाएगा, तो उस समय कह रहे हैं कि भगवान कल्कि अवतार लेंगे, कल्कि अवतार लेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, नव प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा समय होता है तब धर्म, विष्णु और मनु देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया मूर्तियां ही प्रकट होती हैं। कह रहे हैं ब्रह्मा जी की जब संसार का रचना होता है तो उस समय तपस्या करने के लिए 9 प्रजापति आते हैं, मरीचि के साथ और भी 8 हैं जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
और कह रहे हैं कि मेरे ही रूप में वो ब्रह्मा जी ही अपने रूप से क्या करते हैं, उन लोगों को लाते हैं और वो लोग तपस्या करते हैं। और कह रहे हैं कि जब सृष्टि का रक्षा करना होता है तो ये भी कह रहे हैं कि राजाओं के रूप में ये धर्म के रूप में जो है ये विष्णु जी आते हैं और मनु ये देवता के रूप में आते हैं और इस प्रकार से सबका रक्षा करते हैं। और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो यही अधर्म रुद्र के रूप में क्रोध बढ़ जाता है। जो सृष्टि करना है तो शिव जी क्या करते हैं, ये अपना तांडव नृत्य करके और पूरा ब्रह्मांड को क्या करते हैं, जलमग्न कर देते हैं इस प्रकार से। तो कह रहे हैं सर्वशक्तिमान भगवान ही अपने माया का रूप लेकर के ये सब करते हैं, सृष्टि करना, इसका रक्षा करना, पालन करना और संहार करना। ये भगवान ही अलग रूप में माया के रूप में आकर के प्रकट होकर के और ये सब कार्य करते हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो कि भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। और ब्रह्मा जी एक अद्भुत बात कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का धूल का कण अगर संभव, गिनना तो संभव नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई गिन भी सकता है, लेकिन भगवान का जो लीला है, जो उनका कथा है, ये कोई गिनती कर ही नहीं सकता। कह रहे हैं कि पृथ्वी का धूल कण गिना जा सकता है, असंभव है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, लेकिन भगवान का जो लीला अवतार है वो गिना नहीं जा सकता। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। और कह रहे हैं कि जब भगवान वामन अवतार लिए थे उस समय त्रिलोकी को नाप रहे थे तो उस समय नापते हुए पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था, तो भगवान ही अपनी शक्ति से क्या किए, उसको स्थिर किए। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। कह रहे हैं कि पूरा समस्त जो सृष्टि है उसका रचना करना और संहार करना ये माया भगवान की ही क्या है, शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ऐसे ऐसे भगवान का अनंत शक्तियां हैं तो उनको, उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न तुम्हारे जो बड़े भाई हैं सनकादि ऋषि न वो लोग भी जानते हैं। तो जब मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारे बड़े भाई नहीं जानते हैं, तो और लोगों की बात ही क्या है, और लोग जान ही कैसे सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि भगवान जो शेष हैं उनका मुख है वो अनंत है, और अनंत मुखों से वो गायन करते हैं भगवान का गुणों का, लेकिन कब से कर रहे हैं और अब तक भी समाप्त नहीं हुआ है, उसका पार नहीं पा पाए हैं, वो गाते रहते हैं। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं, और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो निष्कपट भाव से, किसी प्रकार का कपट न हो,
द्वेष न हो, इस भाव से जो सर्वस्व अपना सब कुछ भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो समर्पण करता है वही भगवान की ही बनाई हुई माया से वो छूट जाता है, उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, इस प्रकार से कह रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसे कोई प्रयास करता है कि मैं माया को जीत जाऊंगा, तो कोई भी माया से जीत नहीं सकता है। और माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है वही माया है। ये शरीर आज है और कुछ समय बाद नहीं है, जो दिखता है और बाद में नहीं दिखता है उसी को क्या कहा जाता है? माया, झूठा। जैसे कि हम सब के बीच में कोई व्यक्ति दिखता रहता है और एक दिन मृत्यु हो जाता है, तो वो नहीं दिखता है। तो बताया गया है भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम और शाश्वत। ये जो जगत है ये दुख का समुद्र है और अशाश्वत, हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन इसका क्या होता है? विनाश होता है। और इसमें जो भी यहाँ व्यक्ति आया है वो दुखी है। तो हम लोग सुख प्राप्त के लिए एकदम पागल रहते हैं, लेकिन भगवान ही घोषित कर दिए हैं कि ये दुखालय दुख का समुद्र है, यहाँ सुख है ही नहीं। और हम सुख के पीछे भागते हैं तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए ड्राइंग बनाया गया है और फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग है और हम लोग ग्राउंड में ही खोजेंगे कि वो सब एरिया मिल जाए, तो मिलेगा? कभी मिलेगा ही नहीं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हैं ये दुख का समुद्र है, सुख यहाँ है नहीं, लेकिन उसके प्रतिकार को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? सुख मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबको भूख लगता है, खा लिए तो सोचते हैं कि हाँ अब खा लिए, लेकिन वैसे ही 3-4 घंटे बाद क्या होता है? फिर भूख लग जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारा एक समस्या दूर हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा समस्या खड़ा है। लेकिन वो समस्या खत्म है तो इसलिए हम सोचते हैं कि सुखी हो गए, लेकिन उसके पीछे तो कई समस्याएं लगी हुई हैं। तो इसलिए ध्यान देना ये जरूरी है कि जो भगवान का बनाया हुआ जगत है और भगवान खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे दुख है, सुख है नहीं, और ये अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का नाम ले लेना, भक्ति करना और परोपकार करना, धर्म करना ही मनुष्य का क्या है? परम धर्म होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए। और जो भगवान का शरण में चला जाता है वही ये माया को समझ जाता है। किसकी कृपा से? भगवान की शरण में जाने से। वो कहते हैं कि हमारी शरण में आया है तो हमारा ही शक्ति माया है, तो मैं उससे छुड़ाऊंगा तो इसको माया के बारे में ज्ञान दे दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति बच जाता है। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। और जब वही व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाता है और भगवान उसको ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, तब उसके अंदर एक कुत्ते और सियार जैसे बुद्धि नहीं रह जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। वो क्या समझने लगता है? वो उसको ज्ञान से ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ क्या है? किसका है? भगवान का है। मैं हूँ या मेरा है ये खत्म हो जाता है, यही क्या है? माया है। देह में ही आत्मबुद्धि कर लेना क्या है? माया है। देह को ही हम लोग समझते हैं कि यही आत्मा है और इसी को खिलाना पिलाना, अच्छे से संवारना, घुमाना फिराना, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा है उसका हम सबको ख्याल ही नहीं रह रहा है। जैसे मान लीजिए ड्राइवर गाड़ी को चलाता है और ड्राइवर को ही खाना मत दीजिए, तो क्या होगा? तो वैसे ही आत्मा ये शरीर को चलाता है, लेकिन हम लोग ये शरीर को में केवल फंस के रह जाते हैं, उस आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। और उस आत्मा के लिए अनिवार्य है भगवान का भक्ति करना, भगवान का नाम लेना। इतना कार्य होता है तो ये समझना चाहिए कि ये आत्मा के लिए ये कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में जो चला जाता है तो भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं और उस ज्ञान से उसके अंदर सियार और कुत्ते की जैसी बुद्धि नहीं रह जाती है
और वो वास्तविक सत्य क्या है वो समझ जाता है, माया को समझ जाता है और उससे बच जाता है। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, रिभु और ध्रुव भी जानते हैं। और कह रहे हैं कि प्यारे नारद, जो भगवान पुरुष की जो माया शक्ति है उसको मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो और भगवान शंकर भी जानते हैं। और कह रहे हैं कि जो दैत्यों के भूषण प्रहलाद महाराज हैं वो भी क्या हैं, वो जानते हैं। ये लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि हमेशा भगवान के शरण में, भगवान के भजन भक्ति में, ध्यान में तत्पर रहते हैं, इसलिए जानते हैं। और कह रहे हैं कि जो रिभु हैं वो जानते हैं, ध्रुव महाराज जानते हैं और शत्रुपा जानती हैं और मनु महाराज जानते हैं और मनु के जो पुत्र हैं प्रियव्रत वो भी जानते हैं और एक राजाओं में हो गए प्राचीन बरही वो भी कह रहे हैं कि वो भी जानते हैं। और इसके सिवा कह रहे हैं कि इच्छ्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गांधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मांधाता, अलर्क, सतधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तराय, दिलीप, सौभरी, उतंग, सीबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरीसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आर्ष्टिसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। और जितने भी ये नाम गिनाए हैं कह रहे हैं कि ये सभी लोग भगवान की माया को जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। कह रहे हैं कि जिनको भगवान के जो परम भक्त हैं, उनके प्रेमी जो भक्त हैं, उनको अगर ऐसी शिक्षा मिली है तो वे चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, ये सबसे नीच जाति गिनाया जा रहा है, हूण हो, भील हो और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। कह रहे हैं कि जो भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, अगर उन भक्तों से कोई शिक्षा प्राप्त किया हो तो चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो भी भगवान की माया को जान जाता है। किसके द्वारा? भगवान के प्रेमी भक्तों से शिक्षा प्राप्त करके। इसीलिए हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी भजन भक्ति साधन होता है, भागवत कथा होता है, सत्संग होता है, उसमें जा करके और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उस ज्ञान को क्या करना चाहिए? उस ज्ञान से ये समझना चाहिए कि आखिर वास्तव में हमारा जीवन कैसे बीत रहा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो लोग भी जान जाते हैं। और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब भगवान के प्रेमी भक्तों से कोई शिक्षा प्राप्त करके और ये ज्ञान प्राप्त करके माया से बच सकता है और माया को जान सकता है तो उसके लिए क्या कहना है। और ये संसार से पार चला जाता है, ये भवसागर से पार चला जाता है और कह रहे हैं उनके लिए क्या कहना है जो हमेशा धर्म का पालन करते हैं और भगवान का भजन भक्ति में लगे रहते हैं, उनका कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। और कह रहे हैं जो परमात्मा भगवान है उनका स्वरूप एक ही रस है और शांत है और अभय देने वाला है। वो भय से क्या है?
मुक्त कराने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रसाद रेडी हुआ है प्रभु जी? इसमें बना दीजिए, प्रसाद लेके जाइए, अरे उसी में बना दीजिए प्रभु जी, क्या सोच रहे हैं? हाँ उसी पेपर में दे दीजिए। तो भगवान एक रस स्वरूप हैं और शांत हैं और अभय दान देने वाले हैं, और वो केवल ज्ञान स्वरूप हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि अज्ञानी है, उसको क्या समझना चाहिए? ज्ञानी है। लेकिन हम सबको देखने में लगता है कि वो आदमी ऐसे रहता है, इस प्रकार से व्यवहार करता है या इस प्रकार से चलता फिरता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति है तो क्या बोला जाता है उसको? शास्त्रों में क्या बताया जा रहा है? कि वो ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? तो बताया जाता है कि जब कोई ज्ञानी पूरे वेद शास्त्रों का पठन पाठन कर लेता है तो अंतिम में उसको मालूम पड़ता है कि भगवान का शरण में जाना चाहिए। और जो पहले से ही भगवान के भक्ति में कर लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि वो पूरा वेद शास्त्र पढ़ लिया है। वो परिश्रम करके कई सालों बाद उसको मालूम पड़ता है पढ़ने के बाद कि भगवान के शरण में जाना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे ही भगवान के शरण में लग गया है तो उसके लिए कहना ही क्या है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। और भगवान का स्वरूप ऐसा है कि न माया का कुछ कवर चढ़ा हुआ है, पर्दा है, और न विषमता ही है, उनमें कोई विषमता नहीं है। वो सबको सम दृष्टि से देखते हैं, एक ही भाव से देखते हैं। कैसे एक ही भाव से देखते हैं? जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को, अगर पुत्र मान लीजिए एक बहुत ही बदमाश निकल गया है और एक अच्छा है, तो जबकि एक पुत्र अपने पिता का हर बात का आज्ञा का पालन करता है वो श्रेष्ठ है, या जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है वो? तो समाज में भी हम सब देखते हैं कि जो पिता के आज्ञा का पालन करता है वो पुत्र क्या माना जाता है? प्रिय माना जाता है और श्रेष्ठ। और जो नहीं आज्ञा का पालन करता है वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। लेकिन पिताजी तो ऐसा नहीं करते हैं कि अपने जो बात नहीं मानता है उसको छोड़ देते हैं, उसका भी देखरेख और ख्याल रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान है, चाहे पूजा पाठ कर रहा हो उनका, चाहे नाम ले रहा हो, उसका भी ख्याल रखते हैं, और जो नहीं उनका ध्यान देता है उसका भी ख्याल रखते हैं। वह सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। सत्य और असत्य दोनों से क्या है? भगवान परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। वैदिक जो वेद शास्त्र है उससे, या जो लौकिक शब्द है, यहाँ जो हम सब बात व्यवहार में जो बोलते हैं, ये सब इसके पहुंच में वो नहीं है। इससे क्या है? वो परे हैं, अलग हैं। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और कह रहे हैं कि जितने प्रकार का अगर साधन करके और कर्म किया जाए तो उसका फल भी वहां तक नहीं पहुंचता। और भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि हम किसी के पुण्य और पाप को नहीं लेते हैं, तो फिर जाता कहाँ है? तो जो व्यक्ति करता है उसी को सब हिसाब चुकता करना पड़ता है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बता दिए हैं कि हम किसी के पाप और पुण्यों को नहीं लेते हैं। तो अगर जो व्यक्ति पाप करता है, जो पुण्य करता है, उसका भागीदारी वो स्वयं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य बनाए हैं, जानवर नहीं। हम सबको क्या बनाए हैं? मनुष्य। और मनुष्य बनाए हैं तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य में हम विशेष बुद्धि दिए हैं। क्या? सारे जीवों से विशेष बुद्धि है मनुष्यों में। क्या सही है क्या गलत है ये मनुष्य इस बारे में विचार कर सकता है, लेकिन जानवर नहीं। इसके लिए जो भी हम सही करते हैं गलत करते हैं उसका पूरा का पूरा फल हमको ही भुगतना पड़ता है। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती हैं। और कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान के समीप या उस लोक में माया भी नहीं जा सकती,
और वो लजा करके दूर से ही भाग जाती है। परम पुरुष भगवान वही परम पद हैं, और कह रहे हैं वही परम पुरुष भगवान परम पद हैं। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं, और जो महात्मा लोग हैं उन्हीं भगवान अनंत का ब्रह्म रूप में क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं, जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। और कह रहे हैं कि जो संयमशील व्यक्ति है, जो हर प्रकार से अपने आप में संयम बरतना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कितना पीना है, इस प्रकार अगर संयम बरतता है तो उसके मन में समाहित होकर के, स्थिर होकर के, और भगवान ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार से इंद्रदेव बारिश करते हैं तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कुदाल लेंगे खोदने वाला और कुआं खोदेंगे तो पानी गिराएंगे, उनके लिए ये सब जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं सीधा बारिश करते हैं। वैसे ही भगवान के जो शरण में चला जाता है, भगवान उसको क्या करते हैं, ज्ञान दे देते हैं इस प्रकार से, और वो भेद वगैरह कुछ नहीं रखते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, और कह रहे हैं कि जितने भी समस्त कर्म है उसका फल भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि तुमको कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल लेने का अधिकार नहीं है। फल किसके हाथ में है, वो मेरे हाथ में है। तो इसीलिए जैसे देखेंगे हम कहेंगे कि जो हम करेंगे वो क्यों नहीं मिल सकता है, तो जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम सब खेती करते हैं तो व्यक्ति पूरा सब कुछ खेती तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपना मर्जी से अपने घर में नहीं ला सकता है। अगर मान लीजिए सब फसल तैयार है, उसी समय बारिश आ जाए, पत्थर पर लग जाए, तो क्या हो जाता है, सब कुछ किया हुआ फिर भी घर में नहीं आ पाता है। तो इसका कारण क्या है, कह रहे हैं भगवान कि तुमको कर्म के केवल अधिकारी हो लेकिन फल के अधिकारी नहीं। जिस प्रकार से कोई लड़का परीक्षा देता है तो परीक्षा देने का अधिकारी है लेकिन ये अधिकारी नहीं है कि मेरा फल ये पास ही मैं होऊंगा। उसका अधिकार किसके हाथ में होता है, जो वो पेपर जांच करता है उसके हाथ में होता है। वैसे ही हम सब कर्म करने के अधिकारी हैं लेकिन फल के अधिकारी नहीं है। हमने कैसा कर्म किया है उसका क्या फल मिलना चाहिए, किस प्रकार मिलना चाहिए, वो सारा भगवान देते हैं। तो हम सबका ही किया हुआ अगर हमको मिलता है तो जब सब सुख शांति मिलता है तो आदमी एकदम खुश रहता है, और जब दुख मिलता है तो कहता है कि ये भगवान का ही दोष है, भगवान ही हमको दुख दे रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मैं देता हूँ। तो ये सोचना चाहिए कि हमने कभी गलत किया होगा इसीलिए हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसे ही नहीं गलत सही होता है, जब हम कभी के किए रहते हैं तभी हमारे साथ वो घटना घटती है, ये सत्य बात है, इसमें कोई झुठला नहीं सकता है। क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है, और मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है भगवान की ही प्रेरणा से वो होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। और देखिए ब्रह्मा जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस शरीर को नष्ट हो जाने पे, ये जो पंच महाभूत से शरीर बना है, जो मिट्टी है इसमें अग्नि है जल है हवा है और ये आकाश है, ये पांच चीजों से मिलके शरीर बना है। कह रहे हैं कि ये जब शरीर नष्ट हो जाता है तो इस शरीर के नष्ट हो जाने पे
इसके अंदर जो अजन्मा आत्मा है वो नष्ट नहीं होता है। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से आकाश, कह रहे हैं कि आकाश कभी भी नष्ट नहीं होता, कह रहे हैं बेटा नारद संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। कह रहे हैं कि बेटा नारद संकल्प से जो विश्व की रचना करते हैं, केवल संकल्प करते हैं ऐसा है कि मैं विश्व का रचना करूं तो हो जाता है, और कह रहे हैं कि षड ऐश्वर्य जो छह ऐश्वर्य है भगवान में, वही भगवान हरि का मैंने क्या किया संक्षेप में, बहुत ही कम में मैं उनका वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी कार्य है, कारण है या भाव है अभाव है, वह भगवान से अलग नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं ही, कह रहे हैं कि उनसे अलग नहीं है लेकिन फिर भी भगवान इससे क्या हैं, अलग हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी जो भगवान ने हमको उपदेश किया था वही ये जो उपदेश है ये भागवत है। भगवान का उपदेश ही क्या है? भागवत है। तो समाज में हम सब को ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति ने ही लिख दिया है, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ क्या प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान का ही दिया हुआ उपदेश क्या है? भागवत कथा है। तो भगवान स्वयं बताते हैं, स्पष्ट करते हैं और एक एक ज्ञान की जानकारी देते हैं कि मनुष्य केवल अपने काम धंधों में ही न फंस के रह जाए, कम से कम ये ज्ञान प्राप्त करके और हमारे पास आए। वो क्या है? वो सनातन है, सत्य है, वो कभी मरता नहीं है, लेकिन ये देह में पढ़ करके क्या है, मोह में पढ़ करके और दिन रात कार धंधे के पीछे, सगे संबंधियों के पीछे लगा रहता है। इसलिए वो शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान देते हैं कि इसमें से थोड़ा समय निकाल के और भगवान का भक्ति भजन किया जाए। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। कह रहे हैं कि इसमें भगवान की जो विभूतियां हम सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, कह रहे हैं कि उसका संक्षिप्त में वर्णन है, लेकिन तुम इसका विस्तार करो, तुम क्या करो, इसको बढ़ाओ। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि हैं और सभी लोगों के जो प्रेमा भक्ति हो ऐसा निश्चय करके तुम वर्णन करो कि जैसा करने से सबका भगवान में प्रेम उत्पन्न हो और भक्ति में लगे। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो पुरुष भगवान की अचिंत्य जो शक्ति माया है उसका वर्णन करता है, आपस में चर्चा करता है, कहता सुनता है और उसका अनुमोदन करता है कि ये जो भी है ये क्या है, सही है और ये सही बता रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भगवान का जो माया है उससे मोहित वो व्यक्ति नहीं होता। तो इस प्रकार से हम सब सातवा अध्याय सुन चुके, सातवा अध्याय समाप्त हो गया। अब अध्याय आठ है और अध्याय का नाम है राजा परीक्षित के विविध प्रश्न।
अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से बहुत सारा प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न करेंगे और सुखदेव गोस्वामी जी वो प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन इस अध्याय में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। कल कीजिए, चल पानी वाला आ जाएगा तो मुझे पानी आएगा। आता? नहीं नहीं, इधर नहीं मारते हैं। आता ना, वो मारता ना, कोई जगह नहीं है। कोई बात नहीं, अभी टाइम है, 10 मिनट सुन सकते हैं। तो परीक्षित महाराज सवाल कर रहे हैं, हम लोग 10 मिनट सुनेंगे, ठीक है प्रभु जी? समय है ना, अभी 35 हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया? महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि सुखदेव जी को कि आप वेद वेताओं में क्या हैं, आप श्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी को कहते हुए कह रहे हैं कि जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जब ये बताए, तो जब ब्रह्मा जी आदेश दिए नारद जी को कि आप जाइए और भगवान के गुणों का और नामों का और विस्तार कीजिए, तो नारद जी किस किस को और कैसा कैसा उपदेश किए, आप इसको बताइए। और किनको किनको उपदेश किए, किनको किनको बताए? एक तो अचिंत्य शक्ति के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। और कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि जे एक जो अचिंत्य भगवान की कथा है ये, और अचिंत शक्तियों के आश्रय जो भगवान की कथाएं हैं, ये लोगों का मंगलमय करने वाली है। ये लोगों को क्या करती है, मंगलमय प्रदान करती है भगवान की कथा। लेकिन हम सब दूसरा ही साधन और व्यवस्था जुटाते हैं मंगल और अच्छा होने के लिए। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है, और दूसरे में देवर्षि नारद जी का क्या है, जो भगवत दर्शन कराने का है उनका स्वभाव ही है, वो जिसको भी उपदेश करते हैं वो क्या करता है, भगवान का दर्शन करता है। इसीलिए हम सब एक बार सुन चुके हैं जो नारद का अर्थ होता है कि जो भगवान का दिया हुआ उपदेश या जो कहा गया वो कभी रद्द न हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, नारद। नारद का कभी भी वचन और उनका उपदेश रद्द नहीं होता है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए, और कह रहे हैं कि ये निश्चित करके क्या कीजिए, आप हमको उनके बीच में जो बातें हुई वो सुनाइए। प्रभु जी क्या कर रहे हैं? महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। और कह रहे हैं महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए, ऐसा उपदेश बताइए जिससे मैं जितना भी मन का आसक्ति है उससे रहित हो जाऊं, अलग हो जाऊं, और जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं उनमें क्या हूं मैं, तन्मय हो करके और मैं अपना शरीर छोड़ सकूं, भगवान श्री कृष्ण में सर्वस्व समर्पण करके और मैं क्या करूं, अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और कह रहे हैं ये परीक्षित महाराज कि जो लोग भगवान के लीला कथा को कहते और सुनते हैं उनके हृदय में तुरंत भगवान क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। भागवतम में बताया गया है कि अवरुद्धते, आकर के तुरंत क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। जिस दिन व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है
कि मैं भगवान का भागवत कथा कभी सुनता, उसी समय भगवान क्या होते हैं, आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और वो एक दिन जो सोच है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। प्रसाद श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो महाराज परिचित कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान का कथा है ये भक्तों के कानों से जा करके और भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में बैठ जाते हैं। भगवान लीला कथा से अपने भक्तों के कानों से जा करके और उसके हृदय में बैठ जाते हैं। और जैसे शरद ऋतु जल का गदलायन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो शरद ऋतु है ये सबको बहुत ही आराम देती है, उसी प्रकार भगवान का जो लीला कथा सुनते हैं तो कानों से जा करके और हृदय में भगवान उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं और उसके अंदर के मल और गंदगी को निकाल देते हैं और उसके बाद से उस व्यक्ति के अंदर एकदम शांति और सुख मिलने लगता है। जिस प्रकार से हम सब ये गर्मी के सीजन में जब चांदनी रात जो है इस समय कितना अच्छा लगता है, वैसे ही जो भगवान का भजन भक्ति करते हैं कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में जितना भी प्रकार का गंदगी है सब निकल जाता है और ये चंद्रमा जैसा रोशनी शीतलता प्रदान करते हैं वैसे ही भगवान हृदय में ठंडक प्रदान करते हैं और उससे व्यक्ति का मन बुद्धि एकदम संतुष्ट हो जाता है और हमेशा खुश रहता है। उसके खुश रहने के लिए किसी का जरूरत सहारा नहीं चाहिए। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। और कह रहे हैं कि जिसका हृदय कमल शुद्ध हो जाता है वो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल उनका कथा कभी भी वो छोड़ता ही नहीं। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे बहुत दूर तक कोई व्यक्ति चला है और घर पर आता है तो इतना थका मांदा है कि वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है, कहता है कि अब आराम करना है। वैसे ही व्यक्ति जब भगवान के शरण में चला जाता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान का चरण कमल छोड़ना नहीं चाहता है, भगवान का कथा नहीं छोड़ना चाहता है, वो उसी में आकर के क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो वहां से कहीं हिलना नहीं चाहता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। कह रहे हैं कि जीव का ये सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जीव का ये पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, ये शरीर अलग है आत्मा अलग है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, लेकिन फिर भी इसका जो शरीर है ये बाहरी कवर से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, ये प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या ये स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश या कोई कारण से ऐसा होता है। ये आत्मा जो कभी मरने वाला नहीं है और इसको शरीर मिल जाता है मरने वाला, तो कह रहे हैं कि ये ऐसे स्वभाव से ही होता है या इसका कुछ कारण है, ये सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं और कह रहे हैं महाराज परीक्षित सुखदेव जी को कि इस बात का जो मर्म है आप अच्छे से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई, यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों में परिच्छिन्न सा वर्णन किया है, यह क्या बात है।
तो कह रहे हैं कि जो भगवान के नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उससे जो सारे लोगों का रचना हुआ उससे ही जीव लोग आए, ये भी बताइए। और जो परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन करते हैं यह क्या है? जो परमात्मा को कोई सीमित बताते हैं कोई विस्तार में, तो यह क्या है, यह क्या बात है बताइए। जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज प्रश्नों को पूछते हुए कह रहे हैं कि जो सर्वभूतमय ये ब्रह्मा जी जो भगवान की ही कृपा से उनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं और फिर उनकी ही कृपा से ये सृष्टि करते हैं, और भगवान की ही कृपा से भगवान का दर्शन किए थे, और संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय, और ये जो सर्व अंतर्यामी भगवान का जो माया है और इसके जो स्वामी भगवान परमात्मा है, ये सब का माया का त्याग करके और कैसे शयन करते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रलय होता है तो उस समय भगवान विष्णु सब कुछ समेट करके अपने पेट में और क्या करते हैं, शयन करते हैं। पहले आपने बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई, इस दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? और परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि आपने बताया विराट पुरुष के अंगों से ही सारे लोक और लोकपाल आए, और आपने ये भी बताया कि ये जो लोक है और लोकपाल के ही रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई है, कि जो कुछ भी है दिखता है ये भगवान का ही अंग स्वरूप है, तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है ये हमको समझाइए। ये सरल रूप में वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो किसके लिए पूछ रहे हैं, हम सबके लिए, पूरे जनता के लिए पूछ रहे हैं। तो आगे हम सब कल सुनेंगे, ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ तक हम सब सुने हैं कि परीक्षित महाराज ये प्रश्न किए हैं कि आप जो विराट पुरुष के रूप में आए हैं तो आपका अंग में ही सब कुछ वर्णन हो गया है, इसको आप अच्छे से बताइए, अर्थ सहित अच्छे से बताइए। तो इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करेंगे जो भी ये प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है प्रभु जी। श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी, किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना है? हाँ प्रभु जी, थोड़ा ऐसे है कि जब हम इधर नमस्कार करते हैं तो थोड़ा रास्ता वैसे छोड़ देना चाहिए, जब सब हम आते हैं ना तो कोई इधर से टेक देता है, कोई इधर से, है ना, थोड़ा इधर रास्ता थोड़ा सही है, सही है, थोड़ा गैप लगेगा। अच्छा, थोड़ा चाहिए नहीं, जैसे ये बताया जाता है, और ये सब हम सब अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हम सबको गुरुजन लोग जैसे बताते हैं वैसे ही। तो जैसे भागवत कथा होता है मंदिर में भी या वहाँ पे भी, तो ऐसे ही सारे भक्त बैठते हैं, भगवान सामने हैं, ठीक है, तो ऐसे ही बैठ करके और भगवान का कथा होता है, ऐसे कोई बात नहीं है, तो पूरा खुला ही एरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि भगवान का जो भी हम लोग प्रणाम करते हैं तो अपने बाएं तरफ से प्रणाम करना चाहिए, जैसे भगवान है तो इस साइड से हम लोगों को भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
तो हम लोग जहाँ से मर्जी तहाँ से करने लगते हैं। वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा नियम कानून है तो ये जानकारी के लिए बताया गया। बाएं तरफ से प्रणाम कर ले, जहाँ जगह है वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो किसी का प्रश्न है? परशुराम जी तो बहुत पहले से हैं वो। एक दो तीन प्रभु तो हजारों हजार का जब नहीं, देखिए सुनिए एक मिनट प्रभु जी, जब ही बताया गया है कि भगवान विष्णु अपना सांस छोड़ते हैं, तो सांस केवल छोड़ते हैं तो ये पृथ्वी जो है ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और इससे 10 गुना लाख गुना 1000 गुना ब्रह्मांड है जो आकाश में तैरता है। तो केवल सांस छोड़ने के समय ही क्या होता है, बहुत ही सारा ब्रह्मांड होता है। तो भगवान है वो अचिंत्य हैं, वो कितना भी विस्तार अपने आप को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ये द्वारिकापुरी में पहुंचे और जो उनकी पत्नियां थी, तो सभी महलों में एक साथ गए हैं, जबकि भगवान क्या है उस समय एक ही हैं, सब अलग अलग, लेकिन कितना विस्तार कर दिया अपने आप को। और एक बार की ये भी बात है कि जब ब्रह्मा जी मोहित हुए थे, तो उस समय ब्रह्मा जी इनके ग्वाल बालों को, गायों को, सबको छुपा दिए थे, तो उस समय भगवान ही अपने आप को विस्तार कर दिए, खुद गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, और ग्वाल बाल थे वो भी बन गए, और उन लोगों के ऊपर का कपड़ा लत्ता जो घुंघरू लगा था वो भी बन गए, और हाथ में डंडा रहता है वो भी बन गए। तो भगवान क्या है, अचिंत्य हैं, उन वो हम सब सुन चुके हैं कि यहाँ की बुद्धि से हम सब उनका कल्पना और अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यहाँ की बुद्धि से। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो अचिंत्य हैं, वो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। तो एक से अनेक बन जाते हैं और अनेक से एक बन जाते हैं, इस प्रकार से। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाए, तो उसमें देखिए उस समय एक ही थे, लेकिन कहे अर्जुन कि तुम इस आंख से हमको वो विराट रूप नहीं देख सकते हो, तो उनको दिव्य दृष्टि दिए, अलग दिव्य दृष्टि दिए, तब अपने अंदर ही सब कुछ दिखा दिए, वो अपने शरीर के ही अंदर सब कुछ दिखा दिए। प्रभु जी हमारे उधर, मैं जहाँ रहता हूँ ना 7 किलोमीटर दूर, भगवान कार्तिक स्वामी जी का स्थान है। जब वो गए थे ना सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, तो उधर बैठ गए थे, तो नारद जी ने बताया, अरे भाई तुम इधर बैठे हो, उधर श्री गणेश जी को सिंहासन दे दिया है, क्योंकि वो अपने माता पिता के इर्द में वो में चक्कर निकाल दिया था कि इधर ही सब कुछ जाए, तो वो उधर हैं अभी भी। लेकिन प्रभु जी देखिए, हम सबको यही ध्यान देना होगा कि जो गणेश जी उपदेश देते हैं कि वो केवल अपने माता पिता का ही चक्कर लगा दिए, लेकिन हम सबके समाज में क्या हो गया है कि जो माता पिता को ही त्याग दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये बूढ़ी बूढ़ा है छोड़ो। तो अब समझिए कि जीवन में सुख शांति कभी मिलेगा, कभी नजदीक में भी नहीं भटकेगा सुख शांति। एक प्रभु जी बताते हैं कि बहुत ऐसे धनी थे, लगभग लखपति या करोड़पति थे, तो एक साधु संत को बुलाए अपने घर पे और कहे कि बहुत परेशानी चल रहा है, बहुत तकलीफ है। तो साधु महात्मा उनसे कहे कि अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं? तो वो लोग इस घर में नहीं रहते हैं, उधर रहते हैं, उधर एक गैरेज था उसमें उन लोगों के रखे थे। तो जब जाके देखे और कहे कि ये बताओ, तुम रह रहे हो कि अच्छा सा फ्लैट में अच्छा घर है, और माता पिता को इधर रख दिए हो और कह रहे हो सुख शांति नहीं है, कहाँ से सुख शांति आएगा?
तो इस प्रकार से ये समाज में ऐसे भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी, बदलती जाएगी। वही साबित बच सकता है जो सत्संग कभी न छोड़े, भगवान के भक्तों का संग न छोड़े। इसीलिए वो रहीमदास या कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। कह रहे हैं कि ये जो चक्की है, काल काल को चक्की कह रहे हैं, ये समय चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, और इस समय के चक्र में व्यक्ति ये नहीं देख पाता है कि मैं कहाँ हूँ, और इस व्यक्ति को काल पेरते जाता है। समय इसका काट काट के एक दिन क्या कर देता है, नजदीक ला देता है और व्यक्ति मर जाता है। लेकिन साबुत कोई बचता नहीं है। कौन बचता है? तो कह रहे हैं कि जो इससे अलग हटके और सत्संग में चला जाए। जैसे हम लोग पहले जो घर में होता था पीसने वाला, उसमें से जो कुछ भी अन्न अगर बाहर छटक जाता था तो वो बच जाता था, वैसे ही ये जो समाज का चमक दमक से जो छटक करके और भगवान का भजन साधन में लग गया, भक्ति में लग गया, वही साबुत बच पाता है और कोई साबुत बच नहीं पाता। प्रभु जी जैसे वो किल्ली होता है ना बीच में एक, तो उसके साथ में जो सहारे में भी रह जाता है ना, उसके साथ साथ में ऐसे ही बोलते हैं कि हम भगवान के सारे लगे रहेंगे ना तो बचे रहेंगे, जो बाहर आ जाएगा वो पिस जाएगा। तो इस प्रकार से तो भगवान से हमको क्या रहना है, सट के रहना है भगवान से, और यही असली हम लोगों का धर्म और कर्तव्य है। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि हम यहाँ सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं हम, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जाने और समझें, और जो नहीं जानते समझते हैं उनको भी बताएं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, भगवान भी बताते हैं कि सबसे बड़ा दान है वो ज्ञान दान है। तो व्यक्ति माने न माने, सुने न सुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सबका कर्तव्य है कि हमको जानकारी हो गया तो दूसरे भाई बंधु को ये जानकारी देना है, चाहे वो माने या न माने, इससे कोई मतलब नहीं है, कि भगवान का नाम लेना जरूरी है। ठीक है प्रभु जी, तो सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, और उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे जिनको भगवान का नाम नहीं मिल रहा है, उनको भी भगवान का नाम मिले। हम लोग भगवान से 3 बार प्रार्थना करेंगे, और वो प्रभु जी का तबियत भी खराब चल रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा। प्रभु बोलता है जो हमारा चित भटक जाता है, जो भगवान को नाम में चित लगना मांगता है, वो भी उसके लिए भी बोलना। तो इसमें तो हम सब भागवतम में सुनते आए हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जिसका भी मन इधर उधर भागता है तो इससे घबराना नहीं चाहिए, घबराना इससे नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए इसमें। तो एक दिन तो शांत होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो मन है क्या है, ये व्यक्ति का दुश्मन भी है और दोस्त भी है। जब यही भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उस व्यक्ति का कल्याण कर देता है, और जब वही गलत चीजों में लग जाता है तो उसका नाश कर देता है। तो हम लोग भगवान से 3 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय, कलिनाम पावन संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। और जय कृष्ण, आपका नाम क्या है? लाल पन्नी देना। आपका नाम क्या?
बाबू जी कल जय सूर्य का प्रसाद सभी भक्तों के लिए तो कल मेष में भक्तों को नहीं जाना है, ठीक है। वो प्रभु जी दही चिवड़ा का व्यवस्था रखे हैं, तो इधर ही जैसे प्रोग्राम होता है थोड़ा सा कम समय में हम लोग समाप्त करेंगे और सभी लोग भक्त इधर ही प्रसाद लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि वो प्रभु जी ऐसा रखे हैं। और किसी प्रभु जी को अगर भगवत गीता चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी में है तो लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं कल ले लूंगा। अच्छा, कथा चाहिए? भगवत गीता भी है, मोबाइल हिंदी पढ़ लेते हैं। नहीं, सुनने और देखने वाला भी है और पढ़ने वाला भी ले लीजिए, सब है। और भी शास्त्र है, ले सकते हैं। बहुत सारा शास्त्र है, मेरे पास है। कल भोजन इधर ही करना है प्रभु। तो प्रभु जी जिनको अगर लेट होता है तो प्रसाद लेके जा सकते हैं, ठीक है। समय को अपना देखते हुए अगर जल्दी दीजिए।